जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनको अभी पता नहीं है कि SSC GD वाले जो बच्चे 2018 वाले वो किस प्रकार से मतलब भुगत भोगी उन्होंने। भुगत भोगी का मतलब है कि किस प्रकार से मतलब दुख तकलीफ पाए, और वैसी गलतियां आप भी अभी नींद में हो और करोगे, गारंटी है मेरी 100%। मैं लिख के दे देता हूँ, आप भी वैसी गलतियां करोगे 101%। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वो गलतियां नहीं करो, क्योंकि आप जिन लोगों से जानकारी लेते हो, जो लोग, एक चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ इस वीडियो को, कि जितने भी दोस्त मेरे देख रहे हैं एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि किसी का भी भला हो तो भला हो सके। क्योंकि YouTube पर भी प्रेजेंट टाइम में 90% लोग ऐसे हैं जिनको फोर्स के बारे में ABCD भी नहीं पता। यानी पहाड़ होता है ना, पहाड़ वो दूर से बहुत खूबसूरत दिखता है, ठीक है, लेकिन जब पास में जाते हैं ना तब पता चलता है बहुत कंकर पत्थर, बहुत कांटे झाड़ियाँ हैं। दूर से तो कितना खूबसूरत दिखता है हरियाला है, लेकिन जो बंदा उसमें रहता है उसको पता है। यानी जो अगर फौज के बारे में पूछना तो फौजी से पूछिए, बाकी से नहीं। जो क्लास ले रहे हैं उनको क्लास ही लेने दीजिए, वो बार बार आपको बता रहे हैं कि आप इस प्रकार से करिए, इस प्रकार से करिए, जबकि उनको पता नहीं कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। वो केवल अपने हिसाब से, उनके हिसाब से, उनको पता नहीं कि कौन सी फोर्स का क्या काम, उन्होंने जो सुन रखा है वही बोल दे रहे हैं। तो आप ये गलती 100% करोगे मेरी मान के चलिए। क्यों, क्या हो रहा है कि उनके चैनल बड़े हैं, व्यूज जल्दी आते हैं, हमारा चैनल छोटा है। सही बात है, कम देखना पसंद करेंगे वो, बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, आपको वास्तविकता नहीं बताएंगे, झूठ झपेट बोलेंगे, और झूठी बात सबको अच्छी लगती है, झूठ को लपेट लपेट के बोलेंगे आपको, और आपको अच्छी लगेगी, उनको देख के फॉर्म फिलअप कर दोगे। और जब रिजल्ट आने वाला होगा, रिजल्ट आने वाला नहीं, जिस दिन पता, फिर बाद में आओगे ना, जब हमसे पूछोगे कि सर हमारी फर्स्ट चॉइस चेंज हो सकती है क्या, सर कैसे भी करके हमारा फर्स्ट चॉइस चेंज हो सकती है क्या, सर हमारे इतने नंबर है सर फर्स्ट चॉइस चेंज हो सकती है, तो मैं बता दूं आपको आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी भरनी है, मैं पहले बता दूं, ताकि आपको अपनी फर्स्ट चॉइस, आपकी चॉइस की फर्स्ट चॉइस मिल जाए। इसके लिए वीडियो को एंड तक बने रहिए, देख लीजिए अच्छे से, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनमें ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको लिख के दे दूँ, या मैं चैनलों के नाम भी ले लूँगा, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जिनको पता नहीं है कि फोर्स का काम क्या है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि आप में से, अभी मैं आप में से अगर क्वेश्चन कर लूँ ना फोर्स के, 90% आप गलत आंसर दोगे, बोलो 90% आप गलत आंसर दोगे। क्यों, क्योंकि इंडिया में फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप केवल सुनी सुनाई बातें बोलते हो, केवल सुनी सुनाई बातें, आपको वास्तविक रूप से नहीं पता होता कि कौन सी फोर्स कौन सा काम कर रही है। और होता क्या है कि आपको बस एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि ये फोर्स है इसके बारे में ये सब कुछ अच्छा है, ये फोर्स है इसके बारे में ये सब कुछ अच्छा है, ये फोर्स सबसे ख़राब है, ये फोर्स सबसे अच्छी है, लेकिन आपको वास्तविक रूप से इनका पता नहीं होता कि इनमें सच्ची और वास्तविक रूप से इनका काम क्या है। तो पहले आप जानिए कि इनका काम क्या है, आपको मैं इसमें इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन सी फोर्स का क्या काम है, ताकि आपको पता चले कि आपकी चॉइस कौन सी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं ना वो ऐसे ही टिप्पे मार रहे हैं, तो टिप्पों पे ध्यान नहीं देना, मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ फोर्स की, कि फौजी की, फौज में कौन सी नौकरी है जिसके लिए आप अच्छी फौज मानी जाती हो, या अच्छी आपके लिए, आप ये तो मानते हो कि सब फोर्स अच्छी है, लेकिन अब मैं आपको बताऊँगी आपके लिए फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, वो आपको मिल भी जाए। तो दोस्तों फर्स्ट चॉइस के बारे में अगर हम बात करें कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, हर एक आदमी, हर एक जो बच्चा तैयारी करा उसका एक अलग माइंड सेट होता है, हर एक बच्चे की एक अलग सोच होती है, हर एक बच्चे का कैपेबिलिटी अलग होती है, उसकी क्षमता अलग होती है पेपर देने की, उसको पता कि वो किस लेवल का स्कोर कर सकता है, ये उसको पहले से पता होता है, जो तैयारी करता है ना उसको दिख जाते, बोलते हैं ना पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, यानी कि उसको पहले से पता चल जाता है कि मेरी तैयारी किस लेवल की है, मैं कहां तक स्कोर कर सकता हूं इस वैकेंसी में, मेरी तैयारी किस लेवल की है, तो आपको उस लेवल के हिसाब से फर्स्ट चॉइस देनी है। हो क्या रहा है, फर्स्ट चॉइस का जो रियल रूल क्या है मैं आपको बताता हूं, आपको जो बता रहे हैं ना, मतलब ये सरासर झूठ बता रहे हैं आपको, जितने भी बता रहे हैं यूट्यूब पर, मैं बताऊं 90% लोग झूठ बता रहे हैं, 10% अगर कोई सच बता रहा तो उसका वीडियो चल नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि वो छोटा सा यूट्यूबर होगा, कोई सही बता रहा है, अगर उसको नॉलेज है तो ठीक है, ज़्यादातर फेक लोग देखने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर कोई फौजी आदमी सही बता रहा है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो रूल है वास्तविक वो क्या है, वास्तविक रूल ये है कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस मांगी जाती है SSF NIO को छोड़ के, बाकी जितनी ये फोर्स हैं CISF CRPF BSF ITBP असम राइफल और SSB, इनमें से जो आपकी फर्स्ट चॉइस होती है टॉप पर, मान लीजिए अगर वो फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिली, तो फिर आपको ऐसा बोल रहे हैं सब लोग कि फर्स्ट चॉइस मान लीजिए आपकी CISF है, ठीक है, अब आप CISF की मेरिट रहती है 82, आपके नंबर है 80, ठीक है, BSF की मेरिट रहती है 79, तो 79 से तो 80 ज़्यादा है, तो आपको फिर BSF मिल जानी चाहिए, मानते हो इस बात को, भाई 80 आपकी ज़्यादा है, फिर तो फर्स्ट से ऐसे मिलती आती है कि भाई पहली नहीं मिली तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी मिल जाएगी, तीसरी नहीं तो चौथी मिल जाएगी, ऐसा ही बोल रहे हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं है, यह वास्तविकता नहीं है।
आपके अगर 80 नंबर है, 82 पे CISF की मेरिट है, आपकी फर्स्ट चॉइस CISF है, आपके 80 नंबर है, जरूरी नहीं आपको BSF मिले, फिर इन 500-400 में से आपको कोई सी भी मिल सकती है, 3 नंबर भी मिल सकती है, 4 भी मिल सकती है, 5 भी। क्यों? क्योंकि अगर किसी बंदे के 79 है BSF की मेरिट, 79 है और उसकी फर्स्ट चॉइस BSF है, तो पहली प्रायिकता उसकी बनेगी। समझे बात को? भले ही एक नंबर उसका कम आपसे, लेकिन उसकी फर्स्ट चॉइस अगर BSF है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जिसकी फर्स्ट चॉइस है, चाहे वो सब आपसे चाहे 3 नंबर नीचे हो, चाहे 4 नंबर नीचे हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आपको एग्जांपल देखना है इसका, तो मैं आपको 2018 की वैकेंसी के कुछ एग्जांपल दिखा सकता हूँ, जिनकी फर्स्ट चॉइस क्या थी, उनके नंबर कितने हैं, ठीक है? एग्री करेंगे 2018 वाले बच्चों से, आप पूछ लेना मेरी बात से, और 2017 की भी बता दूंगा, 15 की वैकेंसी की भी मैं बता दूंगा, कि होता ये है कि जो ये 5-6 चॉइस है, ऐसा सब NIA अलग, मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसा सब NIA, उनकी मेरिट भी अलग रहती है, उनकी फिक्स, क्योंकि छोटी वैकेंसी है उनको इस श्रेणी में काउंट नहीं करते, उनकी अलग रहती है, वो फर्स्ट चॉइस लगभग लगभग बच्चों की रहती है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते, काउंट होती है वो, लेकिन उसके वो लगभग लगभग सभी बच्चों की वो रहती है फर्स्ट चॉइस, तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। इनमें से होता क्या कि जैसे मैं बता दिया आपको कि CISF या ITVP, इनमें से जो फर्स्ट चॉइस आपकी भरी है, आपके 80 नंबर है, और मान लो आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली, तो उसके हिसाब से फिर सेकंड चॉइस आपको मिल जानी चाहिए, जैसे मान लो अगर BSF है सेकंड नंबर पे, तो आपको मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर आपसे एक नंबर कम है या दो नंबर कम है, और BSF की मेरिट मान लो 76 पे गई, आपके 80 है, BSF की मेरिट 76 पे गई है, और अगर मेरे 76 है, तो आपसे पहले प्रायोरिटी मेरी बनेगी मेरिट के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि आपके ज़्यादा तो आपके बनेंगे, नहीं, फर्स्ट चॉइस को इसीलिए तवज्जो दी जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि फर्स्ट चॉइस सोच समझ के भरें, आपका जिस हिसाब का स्कोर आप कर पाते हो उस हिसाब से भरें, ताकि आपको वो चॉइस मिले जो आप चाहते हो। अब मैं आपको NISSF के बारे में बताता हूँ, NI नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज। दोस्तों इनकी मेरिट काफ़ी अप जाती है, इनके लिए आपको स्कोर 90 के आसपास होना चाहिए, यानी 85 से ही नहीं चलेगा, मुझे मान के चलिए 90 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, 90 कम से कम आपकी स्कोर लाने की क्षमता, तो आप NISSF को फर्स्ट चॉइस करना, नहीं तो इनको भी फर्स्ट चॉइस आप नहीं करना, ठीक है? अब NISSF को फर्स्ट चॉइस क्यों करना चाहिए, इसके लिए मैं बता दूं। अब अगर आप करना भी चाहो तो होता क्या कि अभी प्रेजेंट टाइम में नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, और मान लो खुदा ना खास्ता आपका लकीली स्कोर 80 जा रहा है, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके नंबर 10 से 12 अंक बढ़ जाते, तो आपके नंबर हो गए 92, तो फिर आपको NISSF मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये फोर्सेस आपको पता है वैसे काफ़ी अच्छी फोर्सेस है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनमें से आप फर्स्ट चॉइस कोई भी रखो, NISSF ये शानदार फोर्स है, ठीक है? इसके बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि तीसरी फोर्स और इन 6 में से आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इनके स्पेशली तो मैंने सभी के वीडियो बना रखे हैं कि CISF का काम कैसा, BSF का काम कैसा, SSB का काम कैसा, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनमें भी आपको मिल जाएंगे हर एक डिपार्टमेंट का कि BSF का काम क्या है, SSB का काम क्या है, इनके सभी के बारे में वो आप पता कर लीजिए, ठीक है? फिर उस हिसाब से आप चूज़ करिए कि मैं ये काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ये ड्यूटी ज़्यादा पसंद करना करूँगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे अनुसार अगर आप बढ़ते हो, तो दोस्तों फर्स्ट चॉइस अगर मैं आपको पहले भी मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ, उनमें अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं पहले बता रहा हूँ, फर्स्ट चॉइस बहुत मायने करती है आपके SSC GD में, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करेगा, क्योंकि आपको फिर उसी फोर्स में नौकरी करनी है पूरी ज़िंदगी भर, तो वो आपकी इच्छा की होने से आपको संतुष्टि रहेगी कि मेरी इच्छा की मुझे फोर्स मिली, ठीक है? ये आपके लिए संतुष्टि रहेगी, बहुत ही अच्छा ये रहेगा। तो अगर आपको फर्स्ट चॉइस बनना है तो कौन सी बनना, मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर लोग जो बच्चे मतलब फैमिली से जिनके परिवार में एक सिंगल लड़की है या सिंगल लड़का है, या ज़्यादातर जो बच्चे अगर सेफ स्कोर से मान जाते हैं या कम रिस्क वाले अगर फोर्स मान जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, लड़कों लड़कियों दोनों के लिए बता रहा हूँ, लड़कों के लिए फर्स्ट चॉइस आप CISF, लड़कियों के लिए जो फैमिली ज़्यादा पास में रखना चाहते हैं, मैं आपको बता दूँ CISF में छुट्टियाँ कम है, ठीक है? 45 डेज ही छुट्टी मिलती है, लेकिन आपको फैमिली परमिशन बाकी सब फोर्सेस की बजाय इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी होती है ज़्यादातर सिटी में ड्यूटी होती है, इंडस्ट्रियल एरिया में ड्यूटी होती है, वहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो ज़्यादा आपको फैमिली के साथ रहने का मौका मिल जाता है। लेकिन हाँ, दूसरा पक्ष ये भी है कि वहाँ पर छुट्टी आपको 45 डेज ही मिलती है, बाकी फोर्सेज में से 30 दिन आपको कम छुट्टी मिलती है, लेकिन हाँ इसके बदले आपको 1 महीने का पेमेंट एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 12 महीनों में आपको 13 महीने का पेमेंट मिलता है जिनकी CISF फर्स्ट चॉइस करने वाले हैं। इसके बाद में आते हैं SSB सबसे कम रिस्क वाली जॉब मानी जाती है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर SSB ड्यूटी करती है, और भारत नेपाल के रिश्ते आप सभी को पता है कि बहुत मजबूत और बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है? आज तक इन रिश्तों में कभी कोई पंगा हुआ नहीं है, तो मतलब बहुत ऐसी ड्यूटी मानी जाती है SSB की। साथ में इलेक्शन ड्यूटी आप सभी को पता है SSB करती है, इलेक्शन तो सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं, लेकिन आप SSB फर्स्ट चॉइस कर सकते हो SSB और
ये सब ये वो लड़के लड़कियां कर सकते हैं जिनको फैमिली साथ रखने की ज़्यादा परमिशन चाहिए या परिवार उनका इस प्रकार से है कि उनको फैमिली साथ रखनी पड़ेगी, तो इन फोर्सेज में जाना पसंद करें, छुट्टी को ना देखें। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में तीसरी चॉइस, ITBP, SSB, असम राइफल और CRPF। दोस्तों असम राइफल वो फर्स्ट चॉइस करे जिन बच्चों को आर्मी की वर्दी पहनने का शौक होता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता कि असम राइफल वास्तविक रूप से अगर कोई पहला मिलिट्री फोर्सेस है वो असम राइफल है, तो असम राइफल में आपको जाने का फ़ायदा ये होगा कि असम राइफल में आपको एक तो आर्मी की वर्दी पहनने का मौका मिल जाएगा, प्लस एक पैरामिलिट्री फोर्सेस में आर्मी की कैंटीन सुविधाएं आपको मिल जाती है, कुछ आर्मी के अलाउंस आपको मिल जाते हैं आर्मी के साथ में अल्टरनेट ड्यूटी करने के साथ में, तो ये सारे फ़ायदे होते हैं असम राइफल में ड्यूटी करने। ठीक है, इसके अलावा अब आते हैं BSF, CRPF और ITBP। दोस्तों आप सभी को पता कि BSF और CRPF काफ़ी लार्जेस्ट फोर्स है, यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में काम करती है, CRPF देश की आंतरिक सुरक्षा को हैंडल करती है, तो सबसे हार्ड और ड्यूटी थोड़ी सी अगर मानी जाती है तो CRPF की मानी जाती है। क्यों? क्योंकि CRPF छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों से लगवा लेती है, कश्मीर में भी आतंकवादी से लगवा लेती है और देश के हर कोने कोने में CRPF है, लेकिन बहुत ही बड़ी फोर्स है, तो बड़ी फोर्स का आपको फ़ायदा भी होता है कि प्रमोशन में भी, आपके एग्ज़ाम देने में भी, डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने में भी CRPF। अब जिन बच्चों का ये लगता है कि भाई मुझे जीवन में आगे बढ़ना है और जल्दी आगे बढ़ना है, मुझे डिपार्टमेंटली तैयारी करके आगे बढ़ना, तो CRPF पर चॉइस दे सकते हैं, BSF दे सकते हैं, क्योंकि इनमें डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते रहते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी बड़ी फोर्सेस है, पोस्ट खाली होती रहती है और डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम सालाना होते रहते हैं, तो ये यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है, साथ में छुट्टी आपको पता ही 16 डे EL 15 डे CL मिलती है इन दोनों फोर्सेज में, ITBP में भी सेम मिलती है, तो इन दोनों फोर्स में से वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिनको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, CRPF में जिनको लगता है कि मुझे कोबरा कमांडो बनना है, और BSF में आप सभी को पता है कि साथ में इन फोर्सेज में भी NSG कमांडो काफ़ी बनते हैं, SPG कमांडो काफ़ी मिलते हैं, विदेश ड्यूटी के भी लिए काफ़ी जाते हैं, VIP प्रोटेक्शन में भी काफ़ी जाते हैं इन दोनों फोर्सेज में से, क्योंकि बड़ी फोर्सेस है, इसमें आपको कई प्रकार की ड्यूटी करने का मौका मिल जाएगा, तो जिन बच्चों को ऐसी ड्यूटी चाहिए कि मुझे VIP ड्यूटी करनी है, NSG कमांडो बनना है, SPG कमांडो बनना है, तो वो CRPF में भी आ सकते हैं, उनके लिए फर्स्ट चॉइस भी CRPF हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी रिजर्व में रहती है पुलिस के रूप में काम करती है, नहीं, पुलिस के रूप में काम नहीं करती, काम फोर्स के रूप में ही करती है वो, तो उनकी फर्स्ट चॉइस CRPF भी हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप काफ़ी समझ गए होंगे कि CSF, SSB, असम राइफल, CRPF, BSF और ITBP, इस प्रकार से आप अपनी फर्स्ट चॉइस कर सकते हो। अब जिनको लगता है कि उनकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए वो अपने हिसाब से फर्स्ट चॉइस दे सकते हैं। दोस्तों मैंने काफ़ी आपको आइडिया दे दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, और फर्स्ट चॉइस वो बनना जितना आप स्कोर, आपको लगता है कि मैं इतना स्कोर कर पाऊंगा, तो फर्स्ट चॉइस सोच समझ के बनना, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप सारे वीडियो देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।